माँ जो है ना वो माँ होती है, फिर चाहे वो जन्म देने वाली माँ हो या फिर पालने वाली माँ हो, दोनों का उतना ही अधिकार होता है अपने बच्चे पर और दोनों की ममता में कोई कमी नहीं होती। अब सीरियल आपके आ जाने से में ही देख लीजिए, जब से ये पता चला है कि वेद को कैंसर है, दोनों माँओं ने यानी कि वेदिका और भूमि ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने बच्चे की सेहत ठीक करने के लिए, और अब तो बाकायदा दोनों अग्नि परीक्षा भी दे रही हैं। साम दाम दंड भेद इन सभी को अपनाकर एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो माएँ हैं जो वेद की जान बचाने के लिए भगवान से गुहार लगा रही हैं, नंगे पैर कोयले पर चल रही हैं ताकि वेद का कैंसर ठीक हो जाए। भाई डॉक्टर की दवाई तो काम नहीं कर पाई, इसीलिए अब शायद उन्हें उस बाबा की बातों का आसरा है जो इस वक्त वो कर रही हैं। बेटी संभाल कर, बिल्कुल संभाल कर, डटा रहना बेटी, बिल्कुल डटा रहना अपनी जगह पर। 11,000 मंत्रों के उच्चारण का संकल्प संपन्न होना ही चाहिए, ये खंडित नहीं होना चाहिए बेटी, संभाल कर। किसी बाबा ने वेदिका और भूमि को कहा है कि नंगे पैर 11,000 बार कोयले पर चलेंगी तो वेद ठीक हो जाएगा। जी हाँ, अग्नि परीक्षा चल रही है और भूमि और वेदिका के बीच में मतलब कंपटीशन है कि कौन जीतता है। वेदू के लिए ये अग्नि परीक्षा है क्योंकि उसको कैंसर हो गया है, और पंडित जी ने बोला है कि जो भी कोयले पे 11,000 मंत्र मतलब जलते हुए कोयले हैं उस पे खड़ा होगा और 11,000 मंत्र का जाप करेगा तो उसका असर बहुत अच्छा होगा और वेदू ठीक हो जाएगा। तो दोनों माएँ कॉम्पिटिशन में खड़ी हुई हैं और मैं भूमि को सपोर्ट कर रही हूँ और मंजुला जो है अपनी बेटी वेदिका को सपोर्ट कर रही हैं। अब भाई बाबा जी, कैंसर अगर ऐसे ही ठीक होता फिर तो क्या बात थी, लेकिन खैर जहाँ पर माँ का विश्वास होता है वहाँ पर कोई न कोई चमत्कार तो जरूर होगा। अब वेद की जान तो बचनी ही है क्योंकि एक ओर जन्म देने वाली माँ है तो दूसरी ओर पालने वाली, तो बताइए ऐसे में आखिर कौन सी बीमारी वेद का बाल भी बाका कर पाएगी। देखिए ये कहानी है और एक छोटे मतलब छोटा शहर तो नहीं, कानपुर की कहानी है जहाँ इस तरह की मतलब इसके आसपास के इलाकों में इस तरह की मान्यताएं हो सकती हैं कि, और जब भी वैसे भी देखा जाए ना कि जब कभी कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी जैसे कोई बड़ी बीमारी अपने घर के सदस्य को होती है तो आदमी यहाँ से बंद हो जाता है, उसको जो कोई कुछ भी इलाज करने के लिए बोलता है वो करने के लिए तैयार होता है इस डर से कि नहीं किया तो शायद बुरा होगा और कर लिया तो शायद अच्छा हो जाएगा, तो उस पर बुद्धि काम नहीं करती। खैर पर्दे पर आपको ये सीन बहुत ही ड्रामेटिक लगेगा, लेकिन पर्दे के पीछे इस सीन को करना इतना आसान नहीं था जितना आपको दिख रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।